नमस्कार, मेरा नाम है प्रद्युम शर्मा। आपको बता रहे हैं कि गाजियाबाद नोएडा ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के पश्चिम से पूर्व तक कई इलाकों की हवा बुरी तरीके से प्रदूषित हो रही है। इन इलाकों में हवा की गुणवत्ता नारंगी और लाल श्रेणी में पहुंच गई है। कुछ इलाकों में वायु गुणवत्ता AQI खतरनाक तो पहुंच ही चुका है। लोगों को परेशानी हो रही है। प्रदेश के सर्वाधिक प्रदूषित शहर अगर आपको बताएं, सबसे टॉप पर हमेशा की तरह नोएडा ही रहता है। 406 AQI दर्ज हुआ है। गाजियाबाद में 396, ग्रेटर नोएडा में 394, मेरठ में 368, हापुड़ में 364, मुजफ्फरनगर में 278, लखनऊ में 271, गोरखपुर में 277, कानपुर में 251। फिलहाल मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक बता रहे हैं कि पछुआ के चलते पश्चिम से प्रदूषक तत्व पूरब की ओर बढ़ रहे हैं। बता रहे हैं कि पूर्व वैज्ञानिक वर्मन ने कहा है कि प्रदूषण का बढ़ना इस मौसम में स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। चूंकि गर्मियों की हवा में घनत्व कम होता है और तापमान ज़्यादा, तो इससे प्रदूषण के कण वातावरण की ऊपरी सतह तक चले जाते हैं। सर्दियों में इनके विपरीत होता है। खास बात यह है कि धूल धुआं वाहनों की संख्या तो लगातार बढ़ रही है, इसलिए हर बार स्थिति जो है वो खराब होती हुई नजर आती है। अब आपको ये भी बता दें कि AQI बढ़ता है तो इसका सीधा असर जो है वो इंसानी शरीर पर पड़ता है। अगर आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि AQI जैसे लेवल जो बढ़ता हुआ नजर आता है, उससे आप जब भी आप बाहर जाएंगे, अगर आप पॉल्यूशन की चपेट में हैं, यानी कि आपके शहर में पॉल्यूशन की मात्रा ज़्यादा है, AQI का लेवल ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये परेशानी बहुत ज़्यादा खड़ी हो जाती है। आपको हम ये भी जानकारी दे दें कि जिस तरीके से आप बाहर जाते हैं, आप जो सांस होती है वो बाहर जाके लेते हैं, हवा को इनहेल करते हैं, तो उस इनहेल करने के चलते आपको ये भी बता दें कि जो AQI के दूषित कण होते हैं वो आपके शरीर के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं परेशानी बनती है। आपके फेफड़ों में संक्रमण के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुल मिलाकर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसका सीधा असर जो है वो आपके शरीर पर पड़ता है। फेफड़े और दिल सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अगर आप कंटिन्यू लगातार बाहर रहते हैं तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए मास्क का प्रयोग ज़्यादा करें, गाड़ी का प्रयोग करें, टू व्हीलर की जगह फोर व्हीलर का प्रयोग करें, इससे कहीं ना कहीं थोड़ी तो इसमें बचाव कर पाएंगे। अगर आप बिल्कुल भी बचाव नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी खड़ी कर देगा, क्योंकि मौजूदा स्थिति में दिवाली से पहले जिस तरीके से AQI बढ़ रहा है, ये बहुत खतरनाक श्रेणी में आ जाता है। अगर आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि जिस तरीके से AQI अभी बढ़ा है, अब दिवाली आ रही है, दिवाली के बाद AQI का लेवल कहीं ना कहीं और बढ़ेगा।